Nunca más me pete pa' el bar. SN Live सच सबसे आगे। बिहार के सिवान में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सिवान में बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। वो अलग बात है कि बिहार के डीजीपी कहते हैं कि अपराधियों को दौड़ाइए ताकि बिहार में अपराध कम हो सके। पुलिस प्रशासन को नई नई बातें बता गए, लेकिन बिहार के पुलिस प्रशासन शायद अब तक नहीं सीख पाई है, क्योंकि सिवान से जो मामले आ रहे हैं वो बताते हैं कि पुलिस प्रशासन की वो कमी अभी भी दिख रही है और चोर बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, दरअसल ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर हथियार लैस चोरों ने महिला को कमरे में बंधक बनाकर 20,000 रुपए कैश समेत 2,00,000 से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली है। यह पूरी घटना बीती रात करीब 1 बजे की है। घटना जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र के भीखपुर के भगवानपुर की है। पीड़ित महिला ने बताया कि वो भगवानपुर के रहने वाली मिथिलेश शर्मा की पत्नी रीमा देवी है। घटना के संबंध में महिला आगे बताती है कि खाना खाकर परिवार के लोग सोए ही थे और अचानक से मकान के पिछले हिस्से से 5 डकैत घर के अंदर आते हैं और इसके बाद बच्चे और महिलाओं के साथ जमकर मारपीट करते हैं। इसके बाद सभी को एक एक करके बंधक बना लेते हैं, यानी उनको किडनैप कर लेते हैं, फिर जमकर मकान में सभी कमरों में बारी बारी से चोरी करते हैं। ये वो चोर है जिसके बारे में पुलिस प्रशासन एक के बाद एक प्लान बना रही है, जिनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन चोरों के अंदर तनिक भी डर नहीं है। 3,00,000 हस्बैंड कहाँ रहनी, विदेश रहनी, कब से विदेश बनी हो गए? विदेश बनी 4 साल से विदेश बनी, 6 साल हो गई। अच्छा, आयरन है बीच में? ना बीच में नहीं किया। अच्छा ठीक है, माने 6,00,000 के आसपास के भेल भाई। ठीक। पीड़ित महिला आगे बताती है कि परिवार में उनके पति मिथिलेश शर्मा पिछले 4 साल से देश से बाहर बहरीन से पैसा भेजते हैं। परिवार में किसी पुरुष के नहीं होने से चोरों ने महिला के घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। अब उनको उठा के पटक दे लड़का के, ओके बोलत रहे तो ओकरो के मर ले बा। बच्चा के भी मारत रहो ना? ना, लड़का के उठा के पटक दे। कैसन बोलत रहो, हिंदी बोलत रहो कि भोजपुरी बोलत रहो? भोजपुरी में बोलत रहो, मैसन गाली दे दे के बात करत रहो मैसन। चोरी के बाद पीड़ित महिला ने एक और दहला देने वाली बात की। महिला ने बताया कि उसके 5 साल के बेटे को भी उठाकर नीचे पटक दिया गया। इसके बाद बच्चों को राइफल के कुंद से भी हमला किया गया और महिला के साथ भी मारपीट की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार ये कहती है कि वह अपराध पर नियंत्रण कर रही है, लेकिन सामने आ रही ऐसी घटनाएं बताती है कि प्रशासन को और मुस्तैद होने की जरूरत है। घटना की जानकारी मिलते ही सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा मौके वारदात पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से तमाम जानकारी इकट्ठा किए। इस दौरान पुलिस बल लोगों से पूछताछ करती रही। अब देखना होगा कि पुलिस अब इस पूरे मामले पर कब तक जांच पड़ताल करती है और कब तक अपराधियों को गिरफ्तार करती है। आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।